Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, मैथ का तड़का। ठीक, तो मैथ का तड़का मतलब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह दिया गया है कि 8 की घात 372 को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं मैक्सिमम इसमें के कुछ एक ना एक क्वेश्चन जो है जरूर रहता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें आप सबसे पहली चीज तो घात से मत डरिएगा। जैसे लिखा है, क्या लिखा है, 872 और ये 8 की घात 872 और इसको हमको भाग देना है किससे, 7 से। तो केवल आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो नीचे हमारी गिनती है, इसी नीचे वाली गिनती के पद में इसको बनाना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 1। ठीक, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 + 1 और घात 872 है, 872/7। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 7 की घात 872 और प्लस 1 की घात 872/7, इसको हम इस तरह लिख देंगे। फिर देखिए, ये 7 है तो 7 से तो 7 हमारा विभाज्य है, अर्थात इसमें हमको कोई शेष नहीं मिलेगा। शेष मिलेगा किसमें, इसमें मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7, तो 1 की घात 872। अब 1 की घात में चाहे जितना हम कर दें, हमको मिलेगा 1 ही/7। तो इसका मतलब कि यही 1 जो होगा हमारा, 1 हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो शेष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन और देखिए, तब आपको समझ में आएगा। लिखा है 2 की घात 426 को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो भाई 2 की घात 426/7, अब नीचे क्या है, 7। तो ऐसी कोई गिनती यहाँ पे करिए कि जो इससे या तो 1 ज्यादा हो या इससे 1 कम हो, तो इसी के पद में जो इसके निकटतम संख्या हो वही होनी चाहिए। तो अगर हम इसको लिख दें 2 की घात 3, तो देखिए 2 × 4 = 8 और बटे 7, तो 7 का जो है 8 के पास में हो जाएगा। और 3 जब यहाँ लिखेंगे तो 426 में 3 घात तो हम लिख चुके हैं, तो कितनी घात हमारी बची, 3 × 3 = 3 × 4 = 12 × 3 = 142/7, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 × 4 = 8 की घात 142/7। तो अब 8 देखिए बन गया हमारा, क्या बन गया, 7 + 1 की घात 142/7, यानी कि 7 से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल 1। तो 1 की घात 142/7 हो जाएगा। तो 1 की घात चाहे जो लगाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। जैसे आगे देखिए लिखा है 9 की घात 336/2 की घात 3 का मतलब 2 × 4 = 8 हो गया। अब देखिए 9 जो है 8 के रूप में तोड़िए, तो ये हो जाएगा 8 + 1 की घात 336/8। तो 8 से 8 तो खत्म हो जाएगा, बचे क्या क्या बचेगा हमारा, 1 की घात 336/8, या फिर शेष जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, 1। यही जो रहेगा वही हमारा शेष बच जाएगा। जैसे देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, लिखा है 3 की घात 397/3 = 3 + 5/398। अब देखिए हमने कहा है कि घात से डरने की कोई जरूरत नहीं भाई, इसी के पद में इसको बनाना है। तो 397 को हम क्या लिख सकते हैं, 398 - 1 की घात 3589 और +5 = +5/398। अब देखिए 398 से 398 हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, -1, यानी कि -1 की घात 3589/5 आगे लिखा है, इसको लिख लीजिए। अब देखिए यहीं पर अगर हमारा जो है +1 होता तो 1 लिख देते, लेकिन चूंकि -1 की घात देखिए क्या लिखा है, अब घात अगर -1 की घात सम रहेगी तो माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन -1 की घात अगर विषम रहेगी तो माइनस हमारा लिख उठता है, अर्थात इसको हम लिखेंगे -1 + 5/3589।
98 या फिर इसको घटाएंगे तो 4/398, यानी कि जो शेष बचेगा हमारा कितना बचेगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ठीक, ये अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7^72 + 5/7 में शेष क्या होगा। तो 7^72 तो 7 से 7 कट गया, तो 7 दिख रहा है, केवल यही 5 बचा, अर्थात क्या हो जाएगा, 5 शेष हो जाएगा। हो गया कि नहीं, एक मिनट में। अब देखिए इसको जब करेंगे तो ये जो टाइप है हमारा, ये अगला टाइप है, इस पर हम जो है वीडियो कल बनाएंगे। हमारे अगले पार्ट में आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें a की घात n माइनस b की घात n हो बटे कुछ भी हो तो इसमें क्या शेष बचेगा, या फिर a की घात n प्लस b की घात n हो बटे कुछ भी हो इसमें शेष क्या बचेगा। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसलिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।